अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज 19 सितंबर 2024 बरोज़ जुमेरात कराची फिशरीज़। व्यूअर्स आज जो मार्केट में मछलियों की कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ अपडेट करता चलूं कि मार्केट के अंदर सिलेक्टेड क्वांटिटी में फ्रेश कंडीशन का माल मौजूद था, जिसकी वजह से 100-150 रुपये पर केजी पे रेट कुछ हद तक ऊपर थे। तो आज के जो कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये मुल्ला फ़िश है या एम्पेरियर फ़िश, वाइट गोश्त की बहुत ही शानदार मछली है। एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ये ब्लैक पापलेट फिश है, इसका जो एक्सट्रीमली क्वालिटी का माल था वो 1500 कह रहे थे और फाइनली 1400 में दे रहे थे। बाकी इसका जो धुला हुआ माल था वो 1200 से 1100 रुपए फी किलो तक भी मार्केट में फरोख्त होते नजर आए। इसी तरह भी उसी एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का जो हीरा था 1400 कह रहे थे और फाइनली 1300 रुपए के हिसाब से दे रहे थे। हीरा फिश ये भी वाइट गोश्त की एक ही कांटे की बहुत ही शानदार मछली है, सॉफ्ट गोश्त होता है। इसी तरह भी उसी पत्तल फिश है, ट्रेवली फिश, इसका गोश्त भी बेहतरीन है, एक ही कांटे की यह मछली है। बोनलेस पर्पज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, 750 कह रहे थे और 700 रुपए के हिसाब से दे रहे थे। इसी तरह वाइट कुछ जो एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का और साइज़ वाला माल था वो 1100 रुपए और कुछ ओवर साइज़ का और कुछ ढीला ढाला माल 1000 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त होते हुए नजर आया। इसी तरह भी ये सोनाफ फिश है, तकरीबन 3.5-3.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने, इसका गोश्त भी बहुत ही बेहतरीन होता है। सर का हिस्सा इसका थोड़ा बड़ा, वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसके अंदर, 900 रुपए फी किलो के हिसाब से। सोनाफ फिश या पोम्पेनो फिश भी से कहा जाता है। इसी तरह से ये दोथर फिश है, वाइट दोथर, बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये माल था, बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का माल था। इसका जो बड़ा साइज़ था जो 3 पाव किलो या 2-3 किलो के साइज़ है, 3 पाव से ऊपर का जो साइज़ था वो 1500 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से। इसी तरह फिर जो आधा किलो का जो साइज़ था मार्केट के अंदर 1300 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से जो एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का माल था वो फरोख्त होते नज़र आए। इसी तरह फिर गिसर फिश एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो काफ़ी हद तक उसकी कीमतें ऊपर है, लेकिन स्पेयर फिशिंग का माल जो है वो किसी गलत जगह पे तीर वगैरह लगा होता है तो इस तरह का माल एक्सपोर्ट नहीं होता, तो वो कुछ कम कीमत में ये मार्केट में दस्तियाब हो जाता है। ये तकरीबन 3-5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने थे, 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओरिजिनल गिसर स्पेयर फिशिंग वाला जो माल था। इसी तरह मार्केट में 12 रबी अव्वल के बाद कुछ जो है मंदी दिखाई दे रही है माल की, लेकिन 1 से 2 दिन में मज़ीद काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, लेकिन चांद की तारीखें भी हैं तो इसकी वजह से भी कुछ इफ़ेक्ट रहता है मार्केट में। लेकिन जैसे ही ये माहौल थोड़ा छटेगा, मार्केट भर जाएगी भरपूर तरीके से, तो मज़ीद 100-200 रुपये कीमतों में कमी आने का चांस है। लेकिन फ़िलहाल जो सिलेक्टेड क्वांटिटी में फ्रेश कंडीशन का माल है तो उसके रेट में कुछ हद तक का इजाफा देखने को आ रहा है। इस तरह से ये दंदिया फिश है, दंदिया फिश जो 300-400 ग्राम के साइज़ से लेके किलो के करीब तक के साइज़ की मिक्स एक्लॉट थी, जो 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दंदिया फिश। मेरे उम्मीद है कि छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। साढ़े 3 सही ठीक है।